अब देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। आज से ठीक 5 दिन बाद यानी कि 28 अक्टूबर को बिहार लोकतंत्र के जलसे में महाआहूति देगा। आज का शुक्रवार सियासत का है, संकल्प सूत्र का है, मोदी की हुंकार और राहुल की ललकार का है। आज बिहार में 45-45 मिनट के अंतराल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 रैलियां हुई। सासाराम, गया और भागलपुर में पीएम मोदी ने हुंकार भरी, तो वहीं राहुल गांधी ने नवादा और भागलपुर में ललकारते हुए वो नजर आए। लेकिन आज मोदी ने बता दिया कि चुनाव का एजेंडा सेट करने में उनका कोई सानी नहीं है, क्योंकि बिहार का चुनाव प्रचार सही मायनों में तो आज से शुरू हुआ है। जहां पीएम मोदी ने आरजेडी कांग्रेस को घेरा, तो उनके शब्दों में राष्ट्रवाद से लेकर चीन तक, करप्शन से लेकर जंगल राज तक सब कुछ दिखाई दिया, सुनाई दिया। फिलहाल नीतीशे का बिहार है, तेजस्वी को लालटेन के दोबारा इंतजार रोशन होने का है। इन सभी के बीच में 3 सवालों के इर्द गिर्द प्रधानमंत्री की ये 3 रैलियां रही हैं। पहला सवाल, क्या बिहार में मोदी ने हवा का रुख मोड़ दिया है? दूसरा सवाल, क्या आज बिहार में सेट हो गया है चुनाव का फाइनल एजेंडा? और सबसे बड़ा सवाल कि आत्मनिर्भर संकल्प से सुशासन बाबू को क्या मोदी जिता पाएंगे? क्योंकि चुनावी एजेंडा सेट करते हुए नजर आए, विपक्ष पर निशाना साधते हुए नजर आए, विपक्ष के दावों की हवा निकालते हुए नजर आए, और ऐसे में कहा यह जा रहा है कि असल मायनों में तो आज चुनाव प्रचार शुरू हुआ है, क्योंकि पीएम मोदी ने कहा कि बिहार की जनता तो तय कर चुकी है कि उनका नया मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार ही होगा। मतलब मुख्यमंत्री के चेहरे पर नीतीश कुमार के अलावा और किसी को बिहार की जनता देख नहीं रही है, समझ नहीं रही है। उधर दूसरी तरफ राहुल गांधी ने भी रैली की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कस दिया। कहा कि चीन का मुद्दा उठाकर बेकार में उसे मुद्दा बनाने की कोशिश है, उस पर वाहवाही बटोरने की कोशिश है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर झूठ बोल रहे हैं। राष्ट्रवादी इसे भी एक मुद्दे के तौर पर देख रहे हैं। शुक्रवार को बिहार में एक के बाद एक कई ताबड़तोड़ रैलियां हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी शंखनाद करते हुए दिखे, तो राहुल गांधी भी ललकारते हुए दिखे। उधर तेजस्वी यादव ने भी कई रैलियां की। ये 3 तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक तस्वीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरी में राहुल गांधी और तीसरी में तेजस्वी यादव। चुनावी हुंकार अलग अलग पार्टियों के जरिए अलग अलग तरीके से भरी जा रही है, लेकिन आज चुनावी एजेंडा सेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया। हालांकि पीछे न तेजस्वी यादव रहे न राहुल गांधी रहे, दोनों ने ही प्रधानमंत्री पर भी सवाल उठाए और सुशासन बाबू की सरकार पर भी सवाल उठाए। बिहार चुनाव में सबको प्रधानमंत्री मोदी के आने का आज इंतजार था, क्योंकि जब तक मोदी नहीं बोलते चुनाव का एजेंडा सेट होता नहीं, ऐसा कहा जाता है। और जब प्रधानमंत्री मोदी आए तो एक के बाद एक 3 रैलियों को संबोधित किया। पहली रैली सासाराम में, दूसरी गया में और तीसरी भागलपुर में हुई। चुनावी मुद्दे लगभग एक तीनों ही रैलियों में थे, लेकिन जो जो मुद्दे उठाए गए उसके बाद वाकई विपक्ष को इसका तोड़ निकालना मुश्किल होगा। सासाराम, गया और भागलपुर जब इस सरजमी पर पहुंचे तो बिहार की जनता का अभिवादन किया, बिहार की जनता को नमस्कार किया और कह दिया कि एक एक वोट बहुत कीमती है, बहुत सोच समझकर अपने वोट का इस्तेमाल आप कीजिएगा। एनडीए को दोबारा मौका देंगे तो बिहार में विकास की रफ्तार तेजी से आगे बढ़ेगी, लेकिन अगर आप एनडीए को वोट नहीं देंगे तो फिर यहां विकास की रफ्तार धीमी पड़ जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी 3 रैलियों में विपक्ष को हर मोर्चे पर घेरा है, चाहे वो 370 की बात हो या फिर 15 साल पहले आरजेडी का शासनकाल हो या फिर बात विकास की ही हो। प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा इस दौरान, आपको सुनवाते हैं। ये जमाना गईल, पिछले 6 सालन में बिजली के खपत 3 गुना बढ़ गईल बाटे। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने का इंतजार देश बरसों से कर रहा था या नहीं, ये फैसला हमने लिया, एनडीए की सरकार ने लिया, लेकिन आज ये लोग इस फैसले को पलटने की बात कर रहे हैं। बिहार का मान मर्दन किया आपने, बहुत विश्वास के साथ इन्हें सत्ता सौंपी थी, लेकिन इन्होंने सत्ता को अपनी तिजोरी भरने का माध्यम बना लिया।
बिहार के लोगों ने मन बना लिया है, बिहार के लोगों ने ठान लिया है कि जिनका इतिहास बिहार को बीमारू बनाने का है, उन्हें आसपास भी नहीं फटकने देंगे। बिहार के विकास की हर योजना को अटकाने और लटकाने वाले ये लोग हैं जिन्होंने अपने 15 साल के शासन में लगातार बिहार को लूटा। 10 साल तक इन लोगों ने दिल्ली में यूपीए की सरकार में रहते हुए बिहार पर, बिहार के लोगों पर अपना गुस्सा निकाला। देश ने किसानों को बिचौलियों और दलालों से मुक्ति दिलाने का फैसला लिया तो ये बिचौलियों और दलालों के पक्ष में खुलकर मैदान में है। भाई और बहनों, इन लोगों को आपकी जरूरतों से कभी सरोकार नहीं रहा। इनका ध्यान रहा है अपने स्वार्थों पर, अपनी तिजोरी पर। शुघेरा और कह दिया बिहार की जनता सोच समझकर एनडीए को अपना एक एक कीमती वोट दे और जिताए। अभी थोड़ी देर पहले राहुल गांधी कहलगांव में पहुंचे थे, चुनावी सभा को संबोधित भी किया। राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा एक बार सुन लीजिए। पंजाब में मैं जाता हूं, खेत में काम कौन करता है? बिहार के लोग। आपने छत्तीसगढ़ की बात की, छत्तीसगढ़ में मजदूरी कौन करते हैं? बिहार के लोग। मुंबई में कौन अपना खून पसीना देते? बिहार के लोग। आप पूरे देश को चला रहे हो, आपके प्रदेश को कौन चलाएगा? अब आपको बिहार को चलाना है, चाबी आपके हाथ में है, आपको निर्णय लेना है कि अब सरकार बिहार की होगी, बिहार के किसान के, मजदूर की, छोटे दुकानदार की, युवाओं की सरकार होगी, और वही सरकार बनेगी जो बिहार के युवाओं को रोजगार देके दिखाएगी। भाई बहनों, छत्तीसगढ़ में रोजगार की कोई कमी नहीं है। छत्तीसगढ़ में अर्थव्यवस्था तेजी से आगे चल रही है, मैं आपको बताता हूं क्यों। छत्तीसगढ़ में हमने पैसा किसान को दिया, सीधा हमने कहा देखो तुम्हें सही दाम मिलेगा। जैसे ही हमने किसान को सही दाम दिया, गांव में किसान के पास पैसा आया, मजदूर के पास पैसा आया, उसने माल खरीदना शुरू किया, मोबाइल फोन खरीदा, साबुन खरीदा, शर्ट पैंट खरीदी। जैसे ही उसने शर्ट पैंट साबुन ये चीजें खरीदी शुरू की, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था चालू हो गई। आप जाइए छत्तीसगढ़ में किसानों से पूछिए कितना पैसा मिलता है धान के लिए, बता देंगे, मुझे बोलने की जरूरत भी नहीं। हम आपके साथ खड़े होकर बिहार को बदलना चाहते हैं। आप दूर दूर से आए, इतने प्यार से आपने मेरी बात सुनी, इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। और आपको आखिरी बात बोलना चाहता हूं, देखिए पूरा देश जानता है कि आज हिंदुस्तान की 1200 किलोमीटर जमीन
चाइना की सेना ने ले रखी है, पूरा देश जानता है। आप सेना के किसी भी जवान से पूछ लो, वो आपको बता देगा, पहले हम उधर पेट्रोलिंग करते थे, अब उधर चाइना की सेना खड़ी है, हमारी जमीन हमसे छीन ली गई। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, जब चाइना ने हमारी जमीन छीनी, जब चाइना ने बिहार के 20 युवाओं को शहीद किया, तो नरेंद्र मोदी ने देश को झूठ क्यों बोला? नरेंद्र मोदी ने देश को यह क्यों कहा कि हमारी जमीन किसी ने नहीं ली? नरेंद्र मोदी ने यह क्यों नहीं कहा कि मेरे 20 जवानों को शहीद किया गया है, मैं चाइना को दिखाने जा रहा हूं हिंदुस्तान की क्या शक्ति है? नरेंद्र मोदी ने यह क्यों नहीं कहा? मैं आपको बताता हूं, क्योंकि पिछले 6 सालों में नरेंद्र मोदी जो अपने आप को नेशनलिस्ट कहता है, देशभक्त कहता है, नरेंद्र मोदी ने देश को कमजोर कर दिया है। आज हिंदुस्तान कमजोर है, आज हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था दबी हुई है, आज हिंदुस्तान का किसान कुचला हुआ है, आज हिंदुस्तान का छोटा दुकानदार घबराया हुआ है। कहलगांव से राहुल गांधी को आपने सुना, जो सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए और कहा कि चीन पर देश के लोगों को झूठ बोला जा रहा है और आपके सामने झुकने की बात जरूर कहेंगे लेकिन फायदा उद्योगपतियों का होगा और ये बिहार के लोग ही हैं जो पड़ोसी राज्यों में जाकर काम करते हैं लेकिन आपके लिए काम कब होगा, आप इस भ्रम से बाहर निकलिएगा। हालांकि इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक के बाद एक 3 जगह पहुंचकर रैली कर चुके हैं, जिसमें गया में इंडिया न्यूज की टीम पहुंची हुई है और शुभ्रा सुमन हमारे साथ जुड़ भी गई हैं। सासाराम, गया और भागलपुर में पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चुनावी एजेंडा सेट कर दिया है और ऐसा कहा भी जाता है कि जब तक मोदी ना आए तब तक ये माना नहीं जाता कि कौन से मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं, एजेंडा सेट कौन सी बातों का होगा।